इंडियन आर्मी ट्यूर ऑफ ड्यूटी रिक्रूटमेंट 2020। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक फ्रेंड्स में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ट्यूर ऑफ ड्यूटी यानी कि आर्मी 3 साल के लिए भर्ती है, इसकी संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। इस भर्ती में कौन कौन कैंडिडेट आवेदन कर सकता है, यानी कि इस भर्ती में किस राज्य से आप आवेदन कर पाएं, कैसे आपको आवेदन करना है, इस भर्ती की एज लिमिट क्या रहेगी, क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, फिजिकल टेस्ट में आपको क्या करना होगा, क्या हाइट रहेगी, क्या दौड़ रहेगी, संपूर्ण जानकारी आज मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो हो सके तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। लेकिन इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपको मन है तभी लाइक करना, नहीं तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पर बात करें इसकी एज लिमिट और क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पर इसमें आपको पता होगा कि जो आपको वैकेंसी दी गई है, टोटल आपको यहाँ पर 2 प्रकार की वैकेंसी दी गई है। आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे, यहाँ पर जो पहली वैकेंसी होगी सोल्जर जीडी यानी कि यहाँ पर जनरल ड्यूटी के लिए होगी। जो सेकंड वैकेंसी होगी यहाँ पर ऑफिसर रैंक की, आपको यहाँ पर वैकेंसी दी जाएगी यानी कि ऑफिसर के पदों पर आपको यहाँ पर वैकेंसी दी जाएगी। अप्लाई मोड जो होगा, ऑनलाइन मोड से आपको यहाँ पर इस भर्ती में आवेदन करना होगा। हु कैन अप्लाई जो रहेगा, इसमें ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे, यानी कि मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर पाएंगे, यानी कि भारत के किसी भी राज्य से आप यहाँ पर इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। यानी कि अगर आप भारत के रहने वाले हैं तो आप इस भर्ती में भाग ले सकते हैं, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर पाएंगे। जॉब लोकेशन जो आपका रहेगा ऑल ओवर इंडिया होगा, यानी कि पूरे भारत में वो कहीं भी ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। अगर हम इस भर्ती के एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, अब आपको यहाँ पर जो इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगी, यहाँ पर दोनों पोस्टों के लिए अलग अलग होगा। यानी कि अगर आप यहाँ पर जनरल ड्यूटी के लिए आवेदन करते हैं तो आप यहाँ से 10वीं पास से आवेदन कर पाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर यहाँ पर आप ऑफिसर पोस्ट के लिए आवेदन करते हैं तो आपकी जो योग्यता होनी चाहिए, वो ग्रेजुएशन पास होना अनिवार्य है। अगर आपने ग्रेजुएशन पास किया हुआ है तो आप यहाँ पर इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। दोनों पोस्टों के लिए आपके यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगी वो अलग अलग रहेगी, आप यहाँ पर भी चेक कर पाएंगे। जो इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10वीं 12वीं, ग्रेजुएशन पास होना अनिवार्य है। अब बात रही है फिजिकल में आपको क्या करना होगा, तो यहाँ पर फिजिकल यहाँ पर जो नॉर्मल भर्ती में होता है यानी कि जो ओपन डेली भर्ती में होता है वो यहाँ पर सेम रखा जाएगा। तो यानी कि जो आपको दौड़ लगानी है वो आपको यहाँ पर 1600 मीटर की दौड़ तो लगानी होगी, कम से कम आपको यहाँ पर 1600 मीटर की दौड़ लगानी होगी। इसका अभी तक यहाँ पर टाइम ओपन नहीं किया हुआ है कि कितने टाइम में वो लगानी होगी, क्योंकि जो नॉर्मल भर्ती होती है यानी कि जो ओपन डेली भर्ती होती है उसमें टाइम का पता होता है। तो लेकिन यहाँ पर इस भर्ती में अभी तक टाइमिंग के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया। जो इस भर्ती का चेस्ट रहेगा यहाँ पर 70+5 सेंटीमीटर रहेगा मेल कैंडिडेट के लिए, केवल और केवल मेल कैंडिडेट के लिए होगा। वेट आपका 50 किलोग्राम होना अनिवार्य है। अब बात रहे यहाँ पर आपकी हाइट और दौड़ आपको यहाँ पर कितनी कितनी लगानी होगी, तो यहाँ पर हाइट और दौड़ के लिए भी आपको हमारी वेबसाइट पर मेंशन किया गया है, आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे। 165 सेंटीमीटर कम से कम आपकी हाइट होना अनिवार्य है। फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर अगर आपकी हाइट है तो आप इस भर्ती में जा पाएंगे। अगर आप नॉर्थ इंडिया जोन कैंडिडेट हैं यानी कि अगर आप इस जोन से बिलोंग करते हैं तो आपके मेल कैंडिडेट के लिए 160 सेंटीमीटर चाहिएगी और फीमेल के लिए यहाँ पर 155 सेंटीमीटर आपकी हाइट होना अनिवार्य है। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको ये मालूम नहीं है कि जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है कौन से जोन में आती है, तो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में अपने डिस्ट्रिक्ट और स्टेट का नाम जरूर बताना है, तो मैं आपको रिप्लाई करके बता दूंगा कि जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है कौन से जोन में आती है। तो नीचे हो सके तो कमेंट बॉक्स में डिस्ट्रिक्ट और स्टेट का नाम जरूर बता कर जाना। अब देखिए फ्रेंड, जो यहाँ पर आपकी हाइट रहेगी, वैसे यहाँ पर जो इंडियन आर्मी होती है यहाँ पर सभी स्टेट के लिए अलग अलग यहाँ पर आपकी हाइट रहती है, ठीक है। यानी किसी स्टेट में यहाँ पर 170 सेंटीमीटर ले जाते हैं जनरल ड्यूटी के लिए, किसी में 162 भी रहती है। तो हो सके तो यहाँ पर अलग अलग भी हो सकते हैं, लेकिन ये सेम भी हो सकते हैं, क्योंकि जो मैं जितनी भी जानकारी आपको दे रहा हूँ ये न्यूज़पेपर के माध्यम से दे रहा हूँ। अगर आप भी लेना चाहेंगे न्यूज़पेपर से जानकारी, तो आप यहाँ से क्लिक करके न्यूज़पेपर ओपन हो जाएगा, आप यहाँ से सभी जानकारी ले पाएंगे। अगर आप यहाँ पर इस भर्ती का ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होना अनिवार्य है, एजुकेशन की डिटेल, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट, अनमेरिड सर्टिफिकेट आपके पास होना अनिवार्य है, एफिडेविट, और आपके पास पैन कार्ड और आधार कार्ड होना अनिवार्य है। अब बात रही यहाँ पर इस भर्ती में सैलरी आपको कितनी दी जाएगी, दोनों पोस्ट के लिए यहाँ पर अलग अलग आपको यहाँ पर सैलरी दी जाएगी। जनरल ड्यूटी यानी कि जीडी के लिए 2 लाख से 3 लाख रुपए पर 3 ईयर के लिए आपको यहाँ पर दिया जाएगा। ऑफिसर पोस्ट के लिए जो आपको यहाँ पर सैलरी दी जाएगी 5 लाख से लेकर 6 लाख के बीच में आपको ऑफिसर वाली पोस्ट के लिए सैलरी दी जाएगी। एप्लीकेशन जो फीस रहेगा इस भर्ती का बिल्कुल फ्री हो गए हैं, यानी कि जनरल ओबीसी एससी एसटी फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई फीस यहाँ पर आपको नहीं देना होगा। ऑनलाइन मोड से आपको यहाँ पर आवेदन करना है, बिल्कुल फ्री में आपको यहाँ पर आवेदन करना होगा। जो इस भर्ती की एज लिमिट रहेगी यहाँ पर दोनों पोस्टों के लिए अलग अलग होगी। यहाँ पर कॉन्स्टेबल पोस्ट के लिए यानी कि जीडी पोस्ट के लिए 18 ईयर कम से कम होना अनिवार्य हो, कम से कम बता रहा हूँ आपको। जो आगे की एज होगी यानी कि मिनिमम और मैक्सिमम एज होती है, तो यहाँ पर मैक्सिमम एज के बारे में नहीं बताया गया, मिनिमम एज के बारे में बता रहा हूँ। 18 ईयर आपके कम से कम होना अनिवार्य है। ऑफिसर पोस्ट के लिए यहाँ पर कम से कम आपके 21 ईयर होना अनिवार्य है। इस प्रकार से आपको चेक करना होगा।
तो फ्रेंड जो यहाँ पर इस भर्ती की इंपॉर्टेंट डेट रहेगी तो कम से कम भाई जो इसकी स्टार्टिंग डेट रहेगी अगस्त के बाद ही होगी, इससे पहले यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि अभी तक इसका कोई नोटिस जारी नहीं हुआ। जैसे नोटिस आएगा तो आपको हमारे चैनल पर सबसे पहले बताया जाएगा, उसके बारे में आपको यहाँ पर मेंशन कर दिया जाएगा। लेकिन जो इस भर्ती की स्टार्टिंग डेट रहेगी वो अगस्त के आसपास रहेगी। जैसे इस भर्ती के ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होंगे आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करके यहाँ से रजिस्ट्रेशन करके लॉगिन करके आप यहाँ से अपना ऑनलाइन फॉर्म भी भर पाएंगे। इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और आप टेलीग्राम ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप आप यहाँ से ज्वाइन कर पाएंगे। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो या आपका कोई क्वेश्चन है तो वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।